35 हमारे पास है, जिसमें डिविडेंड की डेफिनेशन मिली और कुछ खास डेफिनेशन है नहीं जी, इतना सा लिख के छोड़ दिया कि डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ठीक है? आपको पता है फाइनल और इंटरिम डिविडेंड? फाइनल डिविडेंड वो है जो एजीएम में दिया जाता है, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जो दिया जाता है, ठीक है? और इंटरिम डिविडेंड एनीवन वांट्स टू टेल कि क्या होता है, कोई हाथ रेज, हैंड रेज करके बताएगा जी। हाँ जी वृद्धि, विद इन द वन बाय वन प्लीज, फाइनेंशियली ओके, एनीवन एल्स, विद इन द क्वार्टर, एंडिंग ऑफ क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब है उसके डिनर ओके, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में नहीं आप कभी भी दे सकते, ये सिर्फ चारों क्वार्टर में, बट क्वार्टर तो खत्म हुआ ही नहीं ना, अगर अप्रैल मई जून है तो आपके हिसाब से अप्रैल मई जून में नहीं दे सकते, 1 जुलाई को दे सकते, इज इट सर? अच्छा, कुछ और ज्ञान की बातें किसी के मन में आ रही हो? हाँ जी, प्रॉफिट्स वगैरह हो गए साल के बीच में, कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से ज्यादा तो उसमें से मिलते हैं। अगर उस साल लॉसेस चल रहे हैं, नहीं इंटरिम डिविडेंड नहीं दे सकते, प्रोहिबिशन, अच्छा बट देना चाहते हैं, कैन बी, नहीं करंट ईयर में लॉस है, वैसे हम 100 साल से प्रॉफिट में ही थे, फाइनल दो, हाँ जी और कोई, हाँ जी दीक्षा, इन बिटवीन टू फाइनेंशियल पीरियड्स, फाइनेंशियल पीरियड तो फाइनेंशियल ईयर हो गया, अब दो फाइनेंशियल ईयर तो बिल्कुल एडजॉइनिंग ही होते हैं, उनके इन बिटवीन तो कुछ होता नहीं है, इन बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर बोलो या फिर ओके, एक अभी डाउट एक तो क्लियर करें जी, बहुत सारे हैं आपके मन में बट एक तो क्लियर करें, दिस इज द फाइनेंशियल ईयर, करंट लेकर चलते हैं 2021, ठीक है, और 2021 की एजीएम कब होनी है, मैंने अभी तक एजीएम वाला चैप्टर टच नहीं किया इसलिए मैं बता देता हूँ, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, सो वो बनती है जी 30/9 को, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30/9/21 तक इसकी एजीएम हो जानी चाहिए, एजीएम के अंदर आप फाइनल डिविडेंड पे करोगे, ठीक है, अगर आपका मन है तो, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया, ठीक है, सो इन दैट केस अगर और शेयर होल्डर्स ने उसको डिक्लेयर कर दिया, कंफर्म कर दिया, इन दैट केस वो आप यहां पर देंगे, माय क्वेश्चन टू यू इज कि आप इंटरिम डिविडेंड देना चाहते हैं वो आप कब तक दे सकते हैं, क्वेश्चन समझ में आया आपको, ठीक है, सो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट मेरे को ये बात बोल रहे हैं कि सर फाइनेंशियल ईयर में आप दे सकते, तो मैं फाइनेंशियल ईयर 2021 में जब मर्जी दे सकता हूँ, और मेरी कंपनी पुरानी है, आप प्रॉफिट्स की टेंशन ना लो, प्रॉफिट हमारे पास भर भर के हैं जी, किताबों में रिजर्व प्रॉफिट, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस सब कुछ भर भर के है, ठीक है, आप मेरे को बस ये बताइए इंटरिम डिविडेंड क्या मैं 1/4/20 से लेकर 31/3/21 तक दे सकता हूं, एनीवन सेज कि सर इसके बाद भी दे सकते हो इन 6 महीने के द्वारा, या फिर आपको लगता है कि सर साल के एंड के बाद हो गए फिर तो वो फाइनल डिविडेंड है, वो इंटरिम कहां था, इंटरिम तो इन बिटवीन हुआ ना, फाइनल डिविडेंड तो फिर साल के खत्म होने के बाद तो फिर फाइनल डिविडेंड आएगा, सो दैट इज योर थॉट प्रोसेस, अब आप मेरे को बता रहे हैं इंटरिम डिविडेंड कौन कहता है कि सर सिर्फ 12 महीने दे सकते हैं और सेकेंड ऑप्शन 18 महीने में जब मर्जी दे सकते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू से कि सर 12 मंथ्स में ही दे सकते हैं, 12 मंथ्स मतलब 31/3/21 तक ही देना पड़ेगा, उसके बाद तो फिर साल ही जब खत्म हो गया तो इंटरिम नहीं, ओके, हाउ मेनी ऑफ यू से कि सर थ्रू आउट 18 मंथ्स आप एजीएम से पहले जब मर्जी दे दो, ओके, मेजॉरिटी इज करेक्ट, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द ईयर भी आप दे सकते हैं, इस साल का इंटरिम डिविडेंड इसके बाद भी दिया जा सकता है, जब मैं आपको इंटरिम डिविडेंड पढ़ाऊंगा तो उसने कहा कि जी दो एजीएम के बीच में कोई भी डिविडेंड अगर दिया वो इंटरिम है, ठीक है, नॉट बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर, उन्होंने क्या कहा कि जी दो एजीएम के बीच में, क्योंकि एजीएम टू एजीएम क्या रहता है, फाइनल डिविडेंड,
एजीएम में अगर कुछ है वो फाइनल डिविडेंड है। कहते हैं दो एजीएम के बीच में आपने जब कभी भी डिविडेंड दिया वो इंटरिम डिविडेंड माना जाएगा, ठीक है। सो इंटरिम डिविडेंड, और तुषार आपने भी बड़ी अच्छी बात बोली थी कि क्वार्टर के बाद ही दे सकते हैं, ठीक है। सो फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो इंटरिम डिविडेंड है वो पहला क्वार्टर खत्म होने के बाद ही आ सकता है, क्वार्टर एंड से पहले नहीं दे सकते। आपने कहा सर मेरे को तो 10 अप्रैल को ही देना इंटरिम डिविडेंड, इमरजेंसी है, किसी भी वजह से मार्केट में सेंटीमेंट्स बिगड़ गए, लोग हमारी कंपनी के बारे में अफवाहें उड़ा रहे हैं कि हम तो बैंकक्रप्ट हो रहे हैं, किसी भी वजह से आपने कहा सर अभी के अभी डिविडेंड देना है, तो आप फाइनेंशियल ईयर 19-20 का दे सकते हो, फाइनेंशियल ईयर 19-20 का दे सकते हो कि ये जो हम आपको 10 अप्रैल को भेज रहे हैं, ठीक है, जो डिविडेंड हम आपको कब दे रहे हैं 10 अप्रैल को, तो ये फाइनेंशियल ईयर 2021 का नहीं हो सकता है, क्योंकि 2021 का तो अभी एक भी क्वार्टर पूरा नहीं, ठीक है। सो आप ये कहो कि सर 19-20 के प्रॉफिट का हम अभी देना चाहते हैं, 19-20 की अभी एजीएम नहीं हुई और उसका हम अगर अभी देना चाहते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको। एक क्वार्टर तो खत्म होना ही चाहिए, ठीक है, इसका मतलब अगर ये न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, ठीक है, जो कि 1/4/20 को ही इनकॉर्पोरेट हुई है, तो ये अपने फर्स्ट क्वार्टर में डिविडेंड नहीं पे कर सकते, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड तो क्वार्टर एंड के बाद ही आता है, और अभी तो आप पैदा हुए हो कब 1/4/20 को, और अभी तो आपने एक क्वार्टर भी पूरा नहीं किया, तो आप एक क्वार्टर तो कम से कम खत्म होने के बाद ही इंटरिम डिविडेंड दे सकते हो। हाउएवर दिस डेफिनेशन जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 35 में है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इन्होंने ये बात कह दी कि डिविडेंड इंक्लूड्स द इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड इंक्लूड्स द इंटरिम डिविडेंड, इसका मतलब इस पूरे चैप्टर में जब कभी भी मैं आपको डिविडेंड को लेकर कोई भी पॉइंट रिस्ट्रिक्शन प्रोविजन पढ़ाऊंगा वो इंटरिम डिविडेंड के ऊपर भी एज इट इज लगेगी, ठीक है। अर्लियर ये डेफिनेशन ऐसी नहीं थी, ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये आई है जी, मतलब डिविडेंड की डेफिनेशन में इंटरिम डिविडेंड कब ऐड किया गया, काफी टाइम हो गया, 13/12/2000, इसका मतलब 1996 के अंदर, ठीक है। मैं अभी आपको एक बात पढ़ाऊंगा कि डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी रिवोक्ड, ठीक है, इट इज अ डेट एनफोर्सेबल अगेंस्ट द कंपनी। अब कंपनी का कोई भी नुकसान हो आप वो पैसा कंपनी से लेके रखोगे, कंपनी या फिर तो डिविडेंड डिक्लेयर ही ना करती, अगर कर दिया तो आप मुकर नहीं सकते। बट 1996 में यह बात इंटरिम डिविडेंड पे नहीं लगती थी, क्योंकि वहां पर उन्होंने ये बात नहीं लिखी कि डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। ये तो कब अमेंडमेंट आई, 13/12/2000 को, ठीक है। सो पहले क्या हो सकता था, लेट अस से मिस्टर अंबानी ने अपने शेयर बेचने हैं, ठीक है, कल या परसों में उन्होंने शेयर बेचने हैं, आज उन्होंने अखबार में निकलवाया कि जी हमारी कंपनी सोच रही है या अनाउंस कर रही है 100 रुपए का इंटरिम डिविडेंड, ठीक है, और उससे क्या हुआ आपके शेयर बढ़ गए, ठीक है, आपने कहा कि जी कंपनी तो कमाल करती, 100 रुपए का डिविडेंड कौन देता है, वो भी इंटरिम, ठीक है, अभी तो 6 महीने ही पूरे हुए हैं, ठीक है, और सबको लगा कि जी रिलायंस के तो भर भर के प्रॉफिट्स हैं और रिलायंस तो बहुत अच्छा कर रही है, सबने शेयर खरीदने शुरू किए और वो प्राइसेस बढ़ गए। 2 दिन के बाद उन्होंने कहा रिवोक कि नहीं 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 मूड बन नहीं रहा, बैलेंस थोड़ा है नहीं जी, ठीक है, उन्होंने कहा रिवोक, हमने कहा ये तो आपने जोक बना रखा है, ठीक है, और हमने बोला कि डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी रिवोक, वो कहता है कि सर लेकिन ये तो इंटरिम है ना, ठीक है, तो हमने ये डेफिनेशन को अमेंड किया 13/12/2000 को, और अब हमने क्या कहा कि जी डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड।